जय हिंद दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जॉब हेल्प में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप इनटेक 02/2020 के बारे में, जो कि अभी आपके मेडिकल चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो रिव्यू है 4 ASC बैरकपुर का है, और इसमें हम सब कुछ जानेंगे अपने आपके साथ क्या क्या वहाँ पर प्रोसेस हुआ गाइज। तो जो भी प्रोसेस हुआ मैं आपके साथ शेयर करूँगा गाइज, जितने भी फिट कैंडिडेट्स हुए, जिस क्या मतलब सबसे ज़्यादा पॉइंट किसमें मिल रहे हैं और क्या क्या सजेशन दिया है, कि ताकि आगे आने वाले कैंडिडेट्स को इसमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो राजवीर भाई का दिल से धन्यवाद जिन्होंने यह रिव्यू शेयर किया। गाइज, आप भी अपना रिव्यू शेयर कीजिएगा, आपको स्क्रीन पे पॉपअप हो जाएगा, यहाँ पे डिस्प्ले पे दिख जाएगा, और आपको डिस्क्रिप्शन में सारे सोशल मीडिया के लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, ताकि आप भी अपना रिव्यू शेयर कर सकें। तो चलिए गाइज, बिना समय गवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे, कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर वाले बटन को दबाकर प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साइड में दिख रहे घंटे के निशान को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको सभी जो वीडियो है लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। इसका कोई भी चार्ज नहीं होता दोस्तों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है गाइज, ठीक है। तो इसमें आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर करना है दोस्तों, यदि अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो गाइज, शुरू करते हैं। यहाँ पर राजवीर भाई ने सबसे पहले बताया है हमारा मेडिकल एग्जाम 4 ASC बैरकपुर में था, ठीक है, 4 ASC बैरकपुर में था। यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, जो भी सीन रहा है यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। और 45 कैंडिडेट्स की ही बेंच बनाए जा रहे हैं लगभग, तो 45 में से 45 कैंडिडेट्स प्रेजेंट थे, ठीक है। सबसे बड़ी अपडेट यही है सबसे पहले, कि सारे के सारे कैंडिडेट्स वहाँ पे प्रेजेंट थे। सबसे पहले हमारी ब्लड टेस्ट हुई, उसके बाद में सारे 45 कैंडिडेट्स की, ठीक है, उसके जो 45 कैंडिडेट थे उनकी सभी की सभी वहाँ पर आपका चेकअप किया गया। सबसे पहले ब्लड टेस्ट, ठीक है, दो बार दो सैंपल होते हैं गाइज, एक पहले और एक ब्रेकफास्ट करने के बाद में, ठीक है। मेरा टेस्ट नंबर 36 था, और हमें दो ग्रुप्स में मतलब डिवाइड कर दिया गया, पहले 1 से 30 और दूसरा 31 से 45 तक, ठीक है गाइज, ये सीन वहाँ पे था। तो दूसरा जो दो ग्रुप में इनको डिवाइड कर दिया, 45 बच्चों को 1 से 30 और 31 से 45 तक, ठीक है। तो पहले ग्रुप को ब्रेकफास्ट के लिए भेजा गया, और हमारा ग्रुप को हाइट वेट के लिए ले जाया गया, ठीक है गाइज। यहाँ पे ये प्रोसेस हुआ, एक ग्रुप को ब्रेकफास्ट के लिए भेज दिया गया था, तो दूसरे ग्रुप को क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकफास्ट मतलब आपका हाइट वेट वगैरह है वो प्रोसेस पूरा कर लिया गया था, ठीक है। उसके बाद में हमें भी ब्रेकफास्ट करवाया गया, उनके बाद में इनको भी ब्रेकफास्ट करवाया गया, फिर वहीं सेम रूम में ले जाया गया, ठीक है गाइज। वहाँ पे जहाँ रूम में, जिस रूम या हॉल में जहाँ पर भी आपका मेडिकल हो रहा था, वहाँ पर उन सभी कैंडिडेट्स को दोबारा से ले जाया गया, और विजन चेक किया गया, ईयर चेक किया गया, BP चेक हुआ, और सब कुछ है वो चेक किया गया गाइज, ठीक है। वहाँ के सारे ऑफिसर एकदम मस्त थे, जो कि वहाँ के ऑफिसर थे बिल्कुल भी अच्छे स्वभाव के थे, सबसे फ्रेंडली होकर बात करते थे, ठीक है, मतलब फ्रेंडली आपके लिए अच्छे बिहेवियर, सब जगह अच्छे ही होते हैं दोस्तों। कोई मतलब सोच सकते हैं 100 में से एक दो ही कैंडिडेट्स या ऑफिसर हो सकता है जिसका स्वभाव थोड़ा कड़वा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में बात करते हैं, हमारा ये सब टेस्ट होने के बाद में दूसरे बार मतलब ग्रुप का है वो ब्लड ग्रुप मतलब चेक करने के लिए लिया गया, और ECG के लिए भेजा गया। उसी वक्त दूसरे ग्रुप को हाइट वेट के वाला प्रोसेस है उसके अंदर ले जाया गया, ठीक है दोस्तों। एक ग्रुप का दूसरा मतलब दोबारा से चेक हुआ ना, तो उस समय क्या हुआ, वहाँ पे उनको ब्रेकफास्ट करवाने के बाद में उनका हाइट वेट चेक किया गया, और एक ग्रुप का क्या हुआ, ब्लड टेस्ट यहाँ पे शुरू कर दिया गया था दोबारा से, ठीक है। और यहाँ फिर एक्सरे हुआ गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर इनका एक्सरे हुआ, उसके जस्ट बाद हमारा नोकनी चेक किया गया, हैंडबैंड भी चेक हुआ, फ्लैट फुट भी चेक किया गया दोस्तों, प्राइवेट पार्ट्स भी चेक किए गए, ETC ठीक है चेक किया गया, सब कुछ यहाँ पे बता दिया, सब आपको पता है, एकदम अच्छा बहुत रिव्यू दिया है अच्छे तरीके से। राजवीर भाई का दिल से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा रिव्यू मिलते मुझे भी बहुत खुशी होती है, मतलब कि इस तरीके से रिव्यू शेयर किया पूरा का पूरा, ताकि कैंडिडेट्स जो अभी हमारे पास कमेंट करते हैं सब कुछ मतलब कहते हैं, उसको सभी की हेल्प मिल सके, ठीक है, उसको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना आए, ताकि आपको मतलब उसको बोलना पड़े कि ये क्या प्रोसेस वहाँ पर हुआ, तो उन्होंने सब कुछ हुआ वो अपने आप ही उन्होंने बता दिया है। फिर एक्सरे हुआ, उसके जस्ट बाद हमारा नोकनी वगैरह सब चेक कर लिया गया गाइज, उसके बाद डेंटल हुआ, फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिखा गया, तो गाइज यहाँ पे डेंटल चेक हुआ, और उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन मार्क चेक किया जाता है, आपका सेम निशान जो मतलब आपकी पहचान के लिए लायक हो, अच्छे तरीके से बाहर से दिखता हो, तो वो मतलब वो ऐड करते हैं, ठीक है दोस्तों, अपनी ओर से ऐड करते हैं, वो चेक करके ही लिखते हैं, जो कि बाहर से दिखाई देता हूँ, गर्दन वगैरह या अपनी चीक पे या माउथ पे कहीं पर भी हो, ठीक है, तो उस तरीके से। और उसके बाद में उनको क्या किया गया गाइज, आप देख सकते हैं, उसके बाद में हमको शाम को 4 बजे गए थे, ठीक है,
ये सब मतलब मार्क लिखा गया, उसके बाद में लगभग 4 बज गए थे उस टाइम तक, ये बता रहे हैं। सारा कुछ वहाँ रेंडमली हो रहा था, वहाँ का बस ये बेस ये था कि सभी को सारे टेस्ट करवाने थे, टेस्ट नंबर वाइज इम्पोर्टेंट नहीं था, ठीक है गाइज। वहाँ सभी के सभी टेस्ट है वो करवाने थे यहाँ पे, ये इन्होंने बताया है, और ये कोई ज़रूरी ना ज़रूरी नहीं था कोई कुछ जैसे कुछ हो रहा है, ठीक है। सारे टेस्ट करवाने अनिवार्य थे वहाँ पे, ठीक है। फिर हमें एक छोटे से ग्राउंड में खड़ा करवाया गया, फिर रूम में ले जाया गया, और ठंड की वजह से हमारा रिजल्ट रात को 8 बजे सुनाया गया, जिसमें से 24 ग्रीन कार्ड मिला है और 21 को रेड कार्ड मिला है। गाइज आप देख सकते हैं, यानी हाफ रेशियो हो गया है, 24 को ग्रीन कार्ड मिला है और 21 को रेड कार्ड मिला है गाइज यहाँ पे। तो रेड कार्ड वालों की प्रॉब्लम्स है, यानी उनको मेडिकल पॉइंट मिला है, री मेडिकल उनको करवाना होगा, दोबारा चेक करवाना होगा, जहाँ पर आपको प्लेस दिया गया है उसी हॉस्पिटल में या मिलिट्री हॉस्पिटल में दोस्तों, ठीक है। किसी को भी परमानेंटली के लिए अनफिट नहीं किया गया, कोई परमानेंट भी ऐसा पॉइंट बन जाता है तो परमानेंट अनफिट कर देते हैं, ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं हुआ था। सभी को मेडिकल मतलब री मेडिकल मिला है, ठीक है। सबसे ज्यादा रेड ईसीजी में मिला है, सबसे ज्यादा रेड कार्ड है वो ईसीजी में मिला है, मैंने आपको बताया है। ईसीजी आपको घबराहट बिल्कुल पैदा नहीं करना है, बीपी और ईसीजी दो ऐसे पॉइंट है जो कि आपकी घबराहट से ही ज्यादा मतलब डर की वजह से ही, आप जितने डरोगे उतने ही ज्यादा बनेंगे, और इसका मतलब क्लियर होने का बहुत ही कम चांस हो जाता है फिर। तो इसका ईसीजी है गाइज ये, ठीक है। तो मतलब ईसीजी में आप ध्यान रखिएगा, 10 कैंडिडेट्स को मतलब यहाँ पे मिला है, और पाइल्स के अंदर भी मिला है, एक्सरे में भी मिला है, और विजन में भी मतलब इस तरीके से अलग अलग कैंडिडेट्स को अलग अलग तरीके में मिला है, ठीक है। एक का स्कोलिसिस में भी था एक्सरे में, ठीक है गाइज यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद रेड कार्ड वालों को अलग अलग बैठाया गया और फॉर्म फिलअप करवाया गया, हम लगभग 10 बजे बाहर किया गया उनको है। पहले मतलब पहले दिन सब कुछ सेटअप करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है दोस्तों, बाद में आने वाले बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और जल्द ही फ्री कर देते हैं, तो इनको 10 बजे है बाहर कर दिया गया था। जिन स्टूडेंट का मेडिकल मेडिकल है उनके लिए एक सजेशन है गाइज, इन्होंने सजेशन किया है ये है कि अपना कुछ खाने का सामान अंदर लेकर जाएं, क्योंकि भूख लग जाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दोस्तों एक दिन पूरा लग जाता है, सुबह से लेकर शाम तक 6:30 बजे एंट्री होती है और रात के 10 बजे छोड़ा जाता है, तो आप खुद ही देख सकते हैं कम से कम 14 से 15 घंटा हो जाते हैं, यानी 14 घंटे 13 या 14 घंटे तो हो ही जाती है। तो आप अपना मतलब फल फ्रूट या कुछ ऐसा फूड लेके जाएं जो कि मतलब ख़राब भी ना हो और अपना काम चल सके और अपनी भूख भी मिट सके, ठीक है। तो ऐसा ज़रूर लेके जाएं साथ में। और एक बात ये हमारे जिनका हमारे बाद में जिनका भी मेडिकल होगा उनको शायद जल्द छुट्टी मिल जाए, बिल्कुल ये सही है। और इनका थैंक यू सो मच जो इन्होंने अपना रिव्यू शेयर किया, तो ये बहुत सारे कैंडिडेट्स को हेल्पफुल होगा गाइज। यहाँ पे देख सकते हैं 4 ACC से इन्होंने राजवीर भाई ने दिल से यहाँ पे शेयर किया गाइज, तो आप सभी कैंडिडेट्स का दिल से धन्यवाद। आप भी अपना रिव्यू शेयर कीजिएगा, सारे के सारे सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सअप नंबर, टेलीग्राम नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, और आपके गाइज यहाँ पे ईमेल आईडी सारे के सारे अभी आपको स्क्रीन पर दिखने वाले हैं, ठीक है। तो गाइज जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर सबसे ज्यादा करना है, शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों आपके स्क्रीन पे, जिस पे आप अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं इस नंबर पे 8239170356 पे, ये ईमेल आईडी दी गई, इस पे आप भी अपना शेयर कर सकते हैं, और सभी सोशल मीडिया के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। इनटेक 02/2020 के अभी मेडिकल चल रहे हैं, तो सभी कैंडिडेट्स को बेस्ट ऑफ लक गाइज। जो भी कोई प्रॉब्लम्स है, आपका कोई सुझाव है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखिए, आपको वहाँ से रिप्लाई मिल जाएगा। तो दोस्तों इन्होंने अपना यहाँ पे ग्रीन कार्ड भी मुझे शेयर किया है, तो यहाँ पे प्रूफ के साथ दिखा देते हैं कि क्या सीन है आपका, क्या सीन नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन होता है दोस्तों वो हाइड करने का होता है कोई भी कैंडिडेट्स हो, ठीक है, ताकि कोई भी इनको प्रॉब्लम्स कहीं पर भी नहीं आए। तो सबसे पहले यहाँ बता देता हूँ गाइज, यहाँ पे देख सकते हैं जो आपकी सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड न्यू दिल्ली और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये ग्रीन कार्ड है और इसका कलर ग्रीन है, ये आपको नाइट में ऐसा इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है गाइज। तो ये जहाँ पर भी हुआ सब कुछ इसमें प्रोसेस है वो लिखा हुआ है गाइज, ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई, ग्रुप है मतलब जो भी प्रोसेस हुआ है, ठीक है। ग्रुप एक्स के अंदर इनका सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे इनका डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं आप, और गाइज यहाँ पे जो बात बताई गई है डेट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट यानी 27/11/2019 को हुआ है, ठीक है गाइज। और जो इनका मेडिकल हुआ है वो गाइज हुआ है 6/1/2020 को, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये एकदम बिल्कुल फिट है ग्रुप एक्स के अंदर, और यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, और ठीक है गाइज ये जो होता है ये नीचे वाला जो प्रोसेस
प्रोसेस होता है अपील करने के लिए होता है, तो इससे आप अपील कर सकते हैं यदि कुछ प्रॉब्लम्स हो तो। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं गाइज, और यहाँ पे नीचे दिया गया है, आप सबसे पहले देख सकते हैं आपका लिखा हुआ है स्टेशन चिकित्सा केंद्र। ठीक है गाइज, ये आपका दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, सिक्स विंग जो कि आपका इसके अंदर दिया गया है, विंग वायु सेना सिक्स लिखा हुआ है। ठीक है गाइज, यहाँ पे जो चेक करने वाले जो मतलब अधिकारी होते हैं, फाइव विंग एयरफोर्स है इनका नाम। ठीक है, चिकित्सा अधिकारी है जो यहाँ पे लिखा गया है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट है और ये इनका नाम है यस और साईपान गुल्लू। गाइज इधर के वाली साइड में है, थोड़ा सा नाम अजीब टाइप का होता है, ये इनका नाम है गाइज। ठीक है, तो ये यहाँ पे प्रोसेस होता है, देख लीजिए गाइज, यहाँ पे 6 जनवरी 2020 को ये इनको मिल चुका है ग्रीन कार्ड। तो भाई को कॉन्ग्रेचुलेशन और हार्दिक बधाई, जो कि यहाँ पे रिव्यू शेयर किया सभी कैंडिडेट्स के लिए एक हेल्पफुल और एक मिसाल होगा जो कि सभी के लिए मददगार साबित होगा। तो रिव्यू ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक वंदे मातरम।